हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डीएम शर्मा, आई वेलकम यू ऑल इन द थर्ड वीडियो ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। फ्रेंड्स, इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस ऑन द वेरी फर्स्ट डे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इन दैट वी हैव सीन द फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट इंक्वायरी। Today we will study the second method, indirect inquiry. We will study its advantages, its disadvantages, and the third method, method of questionnaire. So without wasting time, let's start. Friends, our today's topic is indirect inquiry. When the investigator contacts an organization or a person capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organizations or persons, the method of collecting information in such a way is called indirect inquiry. Friends, in this method, the investigator himself does not go personally for collecting the information. He contacts some other organization or some other person who is capable of conducting inquiries and gets relevant information. Friends, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद इंक्वायरी के लिए नहीं जाता है, वो किसी संस्था को या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम में माहिर हो, ऐसे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है और उसके बाद में उन संस्था से या उस व्यक्ति के पास से वो इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। तो ऐसी मेथड को हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी की मेथड कहेंगे। नाउ द सिचुएशंस फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट इंक्वायरीज, यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। सो द फर्स्ट, व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इंफॉर्मेशन का सोर्स डायरेक्टली निकालना पॉसिबल ना हो, तब इनडायरेक्ट मेथड यूज़ की जाती है। सेकेंड, व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज़ वेरी लार्ज, यानी जब आप इंक्वायरी करने जा रहे हो तो उस इंक्वायरी का फील्ड अगर काफ़ी बड़ा है तो उसमें आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होने वाला है और उसके लिए आपको ज़्यादा एन्यूमरेटर्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर इनडायरेक्ट इंक्वायरी वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। थर्ड, व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेंड इज़ कॉम्प्लेक्स, जब हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो वो इन्फॉर्मेशन अगर कॉम्प्लेक्स हो, यानी जटिल हो, इन्फॉर्मेशन निकलना थोड़ा मुश्किल हो, ऐसे केसेस में भी इनडायरेक्ट इंक्वायरी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एंड द फोर्थ, व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट इंक्वायरी इज़ अनबेरेबल, यानी कि जब डायरेक्ट इंक्वायरी की कॉस्ट वो असहनीय हो जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा आए, तो वैसे केसेस में भी इनडायरेक्ट इंक्वायरी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक, advantages of indirect inquiry. So first one, this method is most suitable when the field of inquiry is very wide. This point we have already discussed. If the field of inquiry is very large, very wide, then direct inquiry becomes very time consuming and expensive. So in such situation, indirect inquiry is most suitable. When a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect information. Friends, respondents मतलब जिसके पास से हम information निकलवा रहे हैं, वो respondent अगर कोई information देना ना चाहे या कोई information नहीं दे रहा हो, उसे छुपा रहा हो, तो वैसे ही situation में indirect inquiry वो ज़्यादा useful रहती है, क्योंकि इनडायरेक्ट इंक्वायरी में हम उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को इंक्वायरी के लिए भेजते हैं जिनका काम ही इन्फॉर्मेशन निकलवाना है, तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करके
या किसी भी तरीके से उन्हें कन्विंस करके इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी एज कंपेयर्ड टू डायरेक्ट इंक्वायरी. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी. इनडायरेक्ट इंक्वायरी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इससे क्या क्या नुकसान है. द फर्स्ट वन, व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हैव एनी प्रिजुडाइज और अ बियास्ड एटीट्यूड, द इंफॉर्मेशन बिकम्स लेस रिलायबल. यानी कि फ्रेंड्स, हमने जिस इंडिविजुअल को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्ट इंक्वायरी का काम सौंपा है, अगर वो पक्षपात करे या प्रिजुडाइज रखे तो इंफॉर्मेशन वो कम रिलायबल रहती है, उतनी ज़्यादा भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती. एंड द सेकेंड, द मेथड बिकम्स यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेंड इज डिसऑनेस्ट, इनएफिशिएंट और अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन. यानी जो थर्ड पार्टी है जिसके पास से हम इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने हमारे आदमी को भेजा है, अगर वही डिसऑनेस्ट यानी कि अप्रामाणिक हो, इनएफिशिएंट और अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी उसके पास जो इंफॉर्मेशन हो वो इनएफिशिएंट यानी उसके पास पूर्ति इंफॉर्मेशन ना हो, और अगर वो हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में ये मेथड यूजफुल नहीं रहती. नाउ फ्रेंड्स, वन मोर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंक्वायरी एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. सो वी विल डिस्कस. फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट्स डेटा. यानी डायरेक्ट इंक्वायरी के मेथड में इन्वेस्टिगेटर या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई एन्यूमरेटर वो खुद पर्सनल विजिट लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. इन इनडायरेक्ट इंक्वायरी द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड गेट्स द डेटा फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन. यानी इनडायरेक्ट इंक्वायरी में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति को ये काम सौंपते हैं, वो जाकर फील्ड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद हम उस संस्था से या उस व्यक्ति से वो इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं. सेकंड पॉइंट, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल दिस मेथड इज बेनिफिशियल. यानी कि इंक्वायरी की फील्ड अगर छोटी है तो डायरेक्ट इंक्वायरी ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज और वाइड देन इनडायरेक्ट इंक्वायरी इज मोर बेनिफिशियल. थर्ड पॉइंट, दिस मेथड इज मोर रिलायबल. आप समझ सकते हैं कि यहाँ हम खुद पर्सनली मिलकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा भरोसेमंद है. एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी इज लेस रिलायबल, ये थोड़ी कम भरोसेमंद है, क्योंकि यहाँ हमने काम किसी को सौंपा है, अब वो किस तरीके का काम करते हैं उसके ऊपर उतना भरोसा हम नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव. क्योंकि यहाँ हमें पर्सनली घर घर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है और ये कम खर्चीली है. एंड लास्ट पॉइंट, इट कंज्यूम्स मोर टाइम एंड एनर्जी, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी. सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट मेथड, मेथड ऑफ क्वेश्चनर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स मीनिंग. अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चंस रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज मेड. The space between the questions is provided for the answers. A list of questions prepared in such a way is called questionnaire. Friends, इस method में logically arranged questions का एक list तैयार किया जाता है और उन questions के answer के लिए जगह छोड़ी जाती है. तो इस तरीके से तैयार किए गए questions के list को हम questionnaire कहेंगे. मैं आपको practically questionnaire दिखाता हूँ. इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 7 यू कैन फाइंड दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जगह छोड़ी गई है. देन सेक्स मेल फीमेल के लिए भी आपको जस्ट टिक करना है.
प्लेस के लिए जगह छोड़िए, यानी हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको निकलवानी है उसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई है। तो इस टाइप से हम जो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहें वैसे क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं और उन्हें लॉजिकली अरेंज करके उसकी प्रिंटआउट निकलवा कर रिस्पोंडेंट्स को दे सकते हैं, वो उन्हें फिल करके हमें वापस देंगे जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसी मेथड को हम क्वेश्चनेयर मेथड कहेंगे। द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनेयर। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एवरी क्वेश्चनेयर मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और एन अप्रोप्रिएट टाइटल, यानी हर एक क्वेश्चनेयर के साथ में आपको एक लेटर लिखकर देना चाहिए जिस लेटर के अंदर ये क्वेश्चनेयर किस टॉपिक से रिलेटेड है वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे सकें और रिस्पोंडेंट्स उसे पढ़कर समझ सके कि ये किस टॉपिक के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। या एप्रोप्रिएट टाइटल क्वेश्चनेयर पर होना चाहिए जिस टाइटल को पढ़कर रिस्पोंडेंट्स को अंदाजा लग जाए कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चनेयर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी क्वेश्चनेयर अगर होगी तो रिस्पोंडेंट्स बोर हो जाएंगे और आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, तो सिर्फ काम के जो क्वेश्चंस हैं वही रखें। ज़्यादा लंबी क्वेश्चनेयर वो रिस्पोंडेंट्स को बोर कर देगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हो सके उतने कम रखें। थर्ड, लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्करेज द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर, सो क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकल एंड शॉर्ट। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने में भी बोरियत फील होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको टू द पॉइंट और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए जिससे सामने वाला इजीली उसका आंसर दे सके। फोर्थ, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनेयर शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, यानी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो हर एक क्वेश्चन का रिलेशन आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। फिफ्थ, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूस और ड्यूअल इन मीनिंग। क्वेश्चंस शॉर्ट, सिंपल और समझ में आ सके ऐसे होने चाहिए, उनका दोहरा अर्थ नहीं निकलता हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी से क्वेश्चन करते हैं आर यू एजुकेटेड, सो दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक अ सेंस, द रिस्पोंडेंट बिकम कन्फ्यूज दैट एक्चुअली वॉट डू यू वॉन्ट टू नो। सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, आर यू एजुकेटेड का क्या मतलब होता है। अगर सपोज उसने एक दो क्लास भी अगर पढ़ाई की है, उसको अपना नाम लिखना आता है, थोड़ा बहुत रीडिंग राइटिंग करना आता है, तो भी वो एजुकेटेड तो है, तो यहाँ पर आपकी इंक्वायरी का कोई पर्पस वो समझ नहीं पाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड आस्क हिम वॉट इज योर एजुकेशन लेवल एंड यू कैन गिव देम दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस लाइक अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट और अनएजुकेटेड। तो वो इनमें से जिस कैटेगरी में आता होगा उसे टिक कर देगा और आप पर्पसफुली इस क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। सिक्स पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकल। क्वेश्चंस पूछने का जो ऑर्डर है वो लॉजिकल होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, इसका विचार करने के बाद ही क्वेश्चनेयर बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन, और उसके बाद आप उससे पूछते हो डू यू यूज स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स, अगर वो स्मार्टफोन यूज़ करता ही नहीं है तो आपको ओपिनियन कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले पूछना चाहिए था डू यू यूज स्मार्टफोन, अगर वो कहता है हाँ तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट, और अगर वो ना कह देता है तो फिर ये क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं बनता। सो हियर क्वेश्चन टू शुड बी फॉलोड बाय क्वेश्चन वन। क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। कोई सेंसिटिव टाइप का जो क्वेश्चन हो, जो किसी की लाइफ को टच करता हो, ऐसा क्वेश्चन हमें अवॉइड करना चाहिए। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इफ सच क्वेश्चंस आर नेसेसरी इन द इंक्वायरी देन एन एश्योरेंस शुड बी गिवन टू द रिस्पोंडेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम और हर विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछना जरूरी ही हो, आपको पूछना ही पड़े,
तो आपको रिस्पोंडेंट को ये एश्योरेंस देना होगा कि आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जाएगी और इसे हम स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, गुप्त रखेंगे, हम किसी के साथ इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। 8th पॉइंट, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। सामने वाले को ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछिए जिसके लिए उसे कैलकुलेशन करनी पड़े, यानी आपके क्वेश्चंस कैलकुलेशन फ्री होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, द क्वेश्चंस हैविंग आंसर यस नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स शुड बी आस्क्ड। तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे पूछिए जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके, या उनको आप अल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस दे दीजिए, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, तो उन ऑप्शंस में से जिस क्राइटेरिया में वो आते होंगे वो इजीली उसे टिक कर देंगे, उनका राइटिंग वर्क कम से कम होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये 9 विशेषताएं एक आइडियल क्वेश्चनर में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछिए, या कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। वेरी सून वी विल मीट इन द 4th वीडियो इन विच वी विल स्टडी वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्वेश्चनेयर मेथड। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे एट होम। गुड बाय।